वाले हैं बीजेपी के जो यूथ विंग के, और ये पाकिस्तान के खिलाफ बताया जा रहा है जो धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और ये जो खच्ची छावनी चौक है वहां पर ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी यूथ विंग की तरफ से बताया जा रहा है आज सुबह 10 बजे ये जो धरना प्रदर्शन है इसका जो कार्यक्रम है वो रखा गया है, और आज के दिन बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो धरना जो विरोध होगा, जो धरना प्रदर्शन होगा वो किया जाएगा। प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं, क्योंकि प्रदीप सीधे तौर पर जितने भी तार जुड़ते हैं वो पाकिस्तान से जुड़ते हैं। हमारे 3 बहादुर जवान चले गए, अब उसके बारे में बताया जा रहा है कि आज धरना प्रदर्शन पे बैठेगी बीजेपी की यूथ विंग। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज यहाँ जम्मू पे काफी धरना प्रदर्शन होने वाले हैं। 10 बजे के करीब भारतीय जनता युवा मोर्चा धरना प्रदर्शन करेगी कच्ची छावनी के इलाके में, जो जहाँ पे पहले बीजेपी का दफ्तर हुआ करता था, और अब उसके बाद 10:30 बजे के करीब डोगरा फ्रंट के लोग भी धरना प्रदर्शन पर उतर आएंगे, सड़कों पर आके पाकिस्तान के खिलाफ वो भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। और बताया जाता है कि काफी अनेक संस्थाएं भी हैं जिन्होंने भी प्लान किया हुआ है कि आज दिन भर वो प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि लगातार आप देखिए कि जब जब हालात यहाँ पे सुधरते हैं, जब जब यहाँ पे टूरिज्म ठीक होता है, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ महीनों से देखेंगे, पहले G20 होता है, G20 के बाद सिनेमा हॉल्स खुलते हैं, यहाँ पे टूरिज्म अच्छा होने लगता है, इकोनॉमी डेवलपमेंट होती है, अब दिसंबर के महीने में मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट होने वाला है, इसलिए पाकिस्तान की पूरी कोशिश ये है कि यहाँ पे हालात खराब किए जाए, कुछ ना कुछ यहाँ पे किया जाए। और कल देखिए हमारे 36 घंटों के अंदर 2 एनकाउंटर होते हैं राजौरी में, पहले एक जवान मारा जाता है, उसके बाद एक हमारा डॉग यूनिट का लेबराडोर भी मारा जाता है जो कि हैंडलर की जान बचाते हुए जिन्होंने अपनी जान गंवाई। उसके बाद आपने देखिए जो कोकरनाग में एनकाउंटर हुआ, एक कर्नल शहीद हो गए, एक DSP शहीद हो गए, एक मेजर शहीद हो गए, तो इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान किस तरह से यहाँ पे हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, घर में खाने को आटा नहीं, लेकिन आप देखिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर में यहाँ पे लगातार अटैक करता जा रहा है, कभी निहत्ते लोगों को मारने की कोशिश करता है, कभी हमारे बहादुर जवानों को टारगेट करने की कोशिश करता है। हालांकि वहां पे कमांडर्स ने ये कह दिया है कि ये जो भी आतंकवादी हैं जो इस कोकरनाग के एनकाउंटर में इन्वॉल्व है इनको बख्शा नहीं जाएगा, जब तब तक सांस चैन की सांस ली जाएगी जब तक उन्हें कब्रिस्तान पहुंचाया नहीं जाएगा। और ये लगता है कि ये फॉरन आतंकवादी जो टेरिस्ट ज्यादातर आए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं कल बात जब कर रहा था GOCUC नरद कमान से भी, उन्होंने भी यही कहा कि ये फॉरन टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करने की पाकिस्तान की पूरी कोशिश है, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पे जो है नॉर्मल सी पीस टूरिज्म नहीं देखना चाहता, और यहाँ पे लगातार वो चाहता है कि टेररिज्म चलता रहे। और मेरे ख्याल से जो वो लोग आतंकवादियों को कुछ लोग जो पनाह देते हैं उनको भी ये समझना होगा कि आतंकवादी आपके वेलविशर कभी नहीं हो सकते, ये वही बहादुर जवान है कि पाकिस्तान की फौज में एक तरफ किस तरीके से आका बने अपने आरामगाह में बैठे रहते हैं, और हमारे देखिए कर्नल जैसे ऑफिसर अपने जवानों के साथ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वही बात हो जाती है ना प्रदीप, वो सह नहीं कर पा रहे कि भारत इतना आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और उसी के भारत के साथ हम कश्मीर की जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, और लोग वहां पर खुश है, ये शायद पाकिस्तान और उनके जितने गुर्गे उनको सहन नहीं हो पा रहा है। और हम देख रहे हैं कि काफी अरसे बाद इस तरह का जो ऑपरेशन हुआ है, और जहां पे हमारे 3 बहादुर जवान हैं उन्होंने शहादत दी, वो शहीद हो गए इस ऑपरेशन में, उनके परिवारजनों का क्या कहना है उनके बारे में भी आप सुन लेते हैं। 7:45 बजे सुबह क्या बोला तुमने? बस यही, मैं कोर्डन में हूँ, मैं बाद में बात करूँगा शाम को। कितने से बात इतनी बात हुई? उसके बाद आपको कब पता चला? उसके बाद 3:30 बजे के बाद मेरे पास फोन आया भी वो इंजर्ड हो गए, तभी हमने कोशिश की, एयरपोर्ट पर गए, लेकिन हमारी सुबह की फ्लाइट है, हम देखते हैं जैसे भी अगर वहाँ पहुँच पाए या उनको जैसे भी मिट्टी वगैरह से बात होगी। उनकी पत्नी को मालूम है इसके बारे में? मालूम नहीं है, हमने पार्सली उनको बताया भी इंजर्ड हो गए, और जैसे ही कोशिश है हमारी भी हालात निकले कम से कम। बहुत ही अच्छे इंसान थे वो, बहुत ही मालूम, मैं उनके बाद जाता रहता था।